तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो पे। लाइव चल रहा है, वही लाइव पे मार खा गया फोगट का। तो गाइस अब चल रहा है कस्टम, तो लाइव में देखते हैं इस बार कौन बाजी मारेगा। तो देखते हैं इस बार नवाब आएंगे कि नहीं आएंगे अगले मैच में। आगे थे तो हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे एमजीएन और एके रॉकी, एमजी अनुराग, एमजी लीडर, एमजी हंटर, एमजी साइको, नेक्सस डीपी। बोलते बोलते मुझे प्यास लग चुकी, पर हम पानी नहीं पियेंगे, हम बोलते रहेंगे। हाय ब्रो, वायर वन, वायर वन शैडो, स्वागत है। अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो कहाँ चल रही है ये लोग की? तो हम लोग कहाँ तक थे? एमजी अनुराग, एमजी लीडर, एमजी हंटर। हाउ कैन एन अंटर ए टूर्नामेंट? अभी इसका टूर्नामेंट हो चुका है, मतलब अभी हम लोग को फिर से टूर्नामेंट करना होगा सी एस एल का, मतलब क्लैश स्क्वाड लीग ही होगा। तो अब देखते हैं क्या होगा। हाउ कैन, तो अभी अभी रजिस्ट्रेशन स्टॉप है, तो अभी हम लोग, हाँ तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टॉप है, तो अभी सी एस एल का रजिस्ट्रेशन होगा 2 दिसंबर से। तो आप कर सकते हो, आपको कम्युनिटी में एक रहेगा जिसमें ग्रुप का लिंक रहेगा व्हाट्सएप के, आप आते हो वहाँ से। तो अब मैं आपको ही बोलते रहा, कब से कम बोलते हैं मैच वाले कूदे हैं पिच के साइड, ये एक्सक्रीट हाय। आप बहुत कस्टम में घुसने की कोशिश करते हो क्रिक, तो आपको हम वार्निंग दे सकते हैं, वरना हम लोग गिल्ड से निकाल देंगे। तो अब देखते हुई कहाँ है टीम डी एक्स। एम जी वाले किधर कूदे? ये लोग कूदे कार्टून सुबह पे। और नेक्सस वाले, ये क्या मार्स इलेक्ट्रिक के कॉर्नर में, कैसे ये लोग को जाने का इरादा है? संतोषा में जाने की। और ये हल्ली लोग आई एन डी वाले, अभी गेमर्स ऐसा ना करें, आप जो गे रहे हो हम शांति से स्ट्रीमिंग करो ना, मैं आपको लॉड आउट दे दूंगा, आप स्ट्रीम से बात नहीं कर पाओगे, मैसेज आपको ब्लॉक कर देंगे हम। तो इसलिए शांति से आप स्ट्रीम देखते रहिए हमारे कमेंट्री के साथ। डीएक्स अमन की टीम फ्यूरियस कूदिए पहले की तरह क्लॉक टावर पे, हम टीम डीएक्स देखते हैं। ये कूदे है मार्स इलेक्ट्रिक पे, अभी के अभी रावण, नवाब और नवाब स्कोएब, नवाब नाम भी इसका। तो हम तब तक देखते हैं टीम फ्यूरियस को। टीम फ्यूरियस का है बहुत नीचे, टीम फ्यूरियस आ गया टीम फेरा। ओ एक नॉक, बेवफा क्वीन नॉक हो चुकी है। बेवफा क्यों क्यों भागी? सामने है कौन, है कौन सामने? हाँ एफएफके वर्सेस टीम फ्यूरियस। ओ एफएफके रावण नॉक, मैसेज डिस्ट्रैक्टेड। हाँ आप मैसेज हटा दो अभी गेमर, वरना हम कुछ भी। एफएफके रावण चले गए, तब देखते क्या होगा। एफएफके बाबू, तो हम लोग अमन एफएफके बाबू को डीएक्स अमन ने मारा है गाइस। तो खलनायक पार्टी ने मैच 48 के गब्बर को खत्म कर दिया। खलनायक पार्टी एमएच गब्बर को, खलनायक नहीं अंकित ने कहा कि जो भी आपको ऐसा ऐसा कहे तो आप लॉड आउट कर सकते हो, वो बाद में आपको मैसेज ना कर पाए ऐसा कर दूंगा। हेलो जन्नत, हेलो स्वागत है ब्लैक हार्ट जी इसके झागे में। तो ये देखो यहाँ पे किसकी फाइट चल रही है, कौन है सामने नवाबों के, कौन है सामने, कौन है? लेजी बियर नहीं, ये तो बुलसी साइड है। अमन के टीम का कोई नहीं, टीम फ्यूरियस के। ओ अभी का एक किल, ओ सामने मारो 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 रावण जी, अरे भाग क्यों रहे हो भाई साहब, वो मारो ना एमजी वाले तो कोई नहीं, कौन है भाई? अच्छा ये एसके लवर, ओ नवाब का 2 किल गाइस। टीम डीएक्स ने एक स्कोर चबा लिया गाइस, नवाब का 2 किल, अभी का 1 किल और नवाब स्क्वेब का 1 किल और आईएनडी थानोस का 2 किल और खलनायक पार्टी का 1 किल। कौन है ये लोग के सामने? ओ यहाँ पे कुछ ज्यादा भीड़ चल रहा है गाइस। एफएफके भाग गया, अरे 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 एफएफके भाभा क्या कर रहे हैं, अकेले है एफएफके भाभा। ओ टीम फ्यूर
फ्यूरियस ने भी एक स्कॉर खत्म कर दिया गाइस। टीम फ्यूरियस का फिर से एक स्कॉर, तो दो स्कॉर यहाँ पे बाय बाय कर चुकी है और कोई कोई स्कॉर में से एक एक बंदे गायब हो चुके, जैसे कि एमएच वाले मराठा हमें मोड दिखा रहे। तो आप जरा पूछे आपको किसको देखने का है, हम बताएंगे आपको किसको देखने का, आपको बताओ। वॉरियर, टीम वॉरियर। तो किधर है, किधर है टीम वॉरियर? नीचे गई क्या टीम वॉरियर? यही तो टीम वॉरियर है। हाँ टीम वॉरियर तो यही है, किसको देखने का है। और आप देख सकते हो टीम वॉरियर में अब तक किसी का भी एक्टिव नहीं हुआ है। तो गाइस तो लेजी बियर स्टॉर्मिनी 9 साल के ऑडियंस को पढ़ने नहीं हो रहा है। स्टॉर्मिनी राज, ब्लैक स्टॉर्म, बैड वाइप, एफ एस फ्यूरियस। गाइस जो फ्यूरियस के बाद फ्यूरियस ने एक स्कॉट खाली है, से हाई टू गॉड मिसिंग। हाँ से हाई टू गॉड नहीं आए, फ्यूरियस ने एफएफ के वालों को खा लिया और नवाब लोग ने एके ऑल किलर टीम को खा लिया। ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है ये टीम वालों का। तो खलनायक वाइटी क्या करे एक किल के साथ, मैं से हाई टू गॉड। हाँ से हाई टू गॉड, आप बहुत अच्छा खेलते हो, आप क्यों नहीं आए कस्टम में। लेजी बियर, चलो हम थोड़ा अभी देखते शैडो गेमिंग को, इनके सामने सबसे कौन से स्कॉर है। हाँ फाइट हो रही है, फाइट फाइट, बस बिजी हो गया उधर। तो आप स्ट्रीम में क्या कर रहे हो, स्ट्रीम देखने के लिए इतने बिजी? अरे इसके लोग मार भी नहीं रहे, उसके सामने बंदा हेड दिखा रहा है भाई साहब। अरे 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 थोड़े सामने एम जी वाले, क्या एम जी वाले तो नहीं है, नेक्सस। हाँ साथ से नेक्सस ही है, नेक्सस आई एन जी वाले साइड। लेजी बियर, हाँ लेजी बियर टीम वॉरियर, टीम वॉरियर से सामने लेजी बियर ने दिया डैमेज एस के लवर को। अब तक किसी का भी, कौन से भी टीम ने अब तक एक को भी नहीं मारा। देखते कौन सबसे पहले, मतलब की टीम है वॉरियर, और अब तक शैडो गेमिंग ने अब तक किसी ने भी नहीं मारा किसी को। लेजी बियर भागते हुए ऐसे कवर देंगे, नहीं कवर नहीं देंगे। ओ डैमेज पड़ा लग रहा है, हेडशॉट। अमन नूब है, दुश्मनी की क्यों कर दे सब भाई होते सब मेरे दूसरे कोई नहीं। ओ आज हेडशॉट स्ट्रांग नहीं रहा, डीडी मैक्स कर लीजिए, डीडी मैक्स नहीं रहे हम लोग के साथ। ब्लैक स्टॉर्म ने डीडी मैक्स खत्म कर दिया। ओ बैड वाइब भी नॉक, किसने किया बैड वाइब का खात्मा, कौन है वो घूमती फिरती आत्मा। एसके लवर दे, ओ क्या कौन दे, ओ एसके लवर नॉक हो गए। लेजी बियर का तगड़ा किल। तो अब देखते हैं दोनों कोई टॉप पे कोई नीचे, भाई साहब को टाइम लगा दोनों को देखने के लिए। लेजी बियर दे दीजिए, क्या करे लेजी बियर। ब्लैक स्टॉर्म, ओ ब्लैक स्टॉर्म ने जैक स्पैरो को कर दिया खत्म। ब्लैक स्टॉर्म का मैच में एक बोया तगड़ा वाला किया था 7 किल के साथ। अगर वो बंदा क्या टीम के नाम क्या था उस बंदे का, अगर वो एलिमिनेट नहीं होता तो 8 किल के साथ बोया हो जाता और टीम शैडो शॉट स्कॉट। अरे क्या आगे बंदे दौड़ रहे और आर प्लस भाग रहे, आर प्लस डी एक्स प्लस और डी एक्स प्लस, कौन है इनके सामने जो उन्हें हेड दिखा रहे थे। ग्लोअर लगा उसने, फ्लैश ने ग्लोअर लगाया, टॉपर मार उसने, पानी मार दिया है डी एक्स प्लस ने। MH48 फौजी इतनी अच्छी कैंपिंग कर रही है क्योंकि इनकी पूरी टीम चली गई है। अब टीम डीएक्स का देखते हैं अभी टीम। ओ नवाब नॉक, कौन किया नवाब का खात्मा, कौन था वो घूमता फिरता नवाब नॉक है, कौन है सामने, नेक्सस कौन है सामने, कौन है नवाब लोग के, नहीं ये भी नहीं है, कौन है MH48 वाले, ये भी नहीं है MH48 फौजी, ये भी नहीं है डी एक्स प्लस, कौन है वो। ओ नवाब डैमेज है, नेक्सस जेस भी डैमेज है। तो देखते अब नवाब पहुंच पाएंगे अपने मंजिल। ओ रावण नॉक, अभी का 1 किल और रावण नॉक पड़े हुए, अभी रावण को क्या रिवाइव मिल रहा है, नहीं ये भी भाग गए रावण, अभी तक नॉक पड़े। ओ अभी ये
हेड शॉट आई लव यू राज ओ टीम फ्यूरियस सर सामने टीम फ्यूरियस थी अब भाग रही टीम फ्यूरियस के बेवफा क्यों ये तो थोड़े पास है टीम डीएक्स के पर ये भी पीछे चली गई ब्लैक स्टॉर्म क्या आर फ्लैश खत्म हो गए जिंदा आर फ्लैश ओ तगड़ी जगह पर आर फ्लैश की जंग चल रही है एमजी वाले अब तक एक भी स्क्वाड नहीं मार पाई एमजी वाले एक किल ओ नवाब का दो किल अभी का दो किल रावण का एक किल नवाब स्क्वाड का एक किल तो अब देखते क्या लेजी बियर अब तक कोई भी स्कोर का तगड़ा भिड़ंग हुआ है तो सबसे पहले टीम डीएक्स का और आर फ्लैश की टीम का अब तक दो किल है बता दे अभी मैं क्यों नहीं आ रहा हूं कास्टिंग पे खाना खाने के लिए ओ अभी डीएक्स अंकित जो पहले कमेंट्री करते थे अभी वो कास्टिंग इसके लिए क्योंकि अभी वो खाना खाने गए उनको बहुत तेज भूख लगाया था अब उनकी जगह पे कौन कास्टिंग करेगी उनकी जगह पे कास्टिंग करे डीएक्स जोकर मतलब जन्नत और कुछ लोग स्पैम करते अभी गेमिंग कौन है जो मुझे गंदे गंदे चीज़ें स्पैम कर रहा था कौन अरे अभी गेमिंग था अरे मैं मतलब कुछ किया ही नहीं तो भी मेरे पे गंदे गंदे स्पैम कर दे मैं बोला लॉर्ड आउट कर दूंगा ज्यादा क्या बोल क्या रहा था वो बोला था वो डिलीट कर देता हां मराठा मराठा टीम भी तगड़ी अब तक कैंपिंग की अब तक एक स्क्वाड से भी फिर नहीं पर वैनम नहीं है मराठा में नहीं है कि वो मारे गए अभी लोग अब तक भिरंगने वाले वो लोग आ चुके हैं बीमा शक्ति साइड कौन है बीमा शक्ति पे अभी जिससे अभी लोग का भिरंग हो सकता है ये लोग है कार्टून सिवा पे डीएस समन ये लोग अभी प्लॉट के हैंगर साइड है नेक्सस पीक पे ओ एम जी साइको शायद से हो सकता है ये लोग का बैन क्योंकि ये लोग नहीं एम जी साइको एम जी हेडमैन का हो सकता है क्योंकि वो काटू चुका थोड़े पास आ चुके वो लोग जा रहे हैं बीमा सती अब तक किसी का भी नहीं हुआ है नवाब को तो देखो कैसे चल रहा है पास अभी रावण नवाब स्क्वेब आई एन डी निशीस विजन यहाँ पे निशीस नाइसन दिखा रहा है नाइसन वेट विजन हडली खलनायक ओ ड्रॉप गिरा रहा है कोई ये लोग के सामने कौन है वो बंदे जो ड्रॉप गिरा रहे हैं ये लोग ड्रॉप गिरा रहे हैं एम जी वाले तो यहाँ पे आ गए कौन गिरा रहा है ड्रॉप हाँ ये लोग गिरा रहे हैं एमएच मराठा टीम मराठा वेट कर रही क्या डीएक्स वाले आ रहे हैं ये लोग के पास भगे ये लोग नहीं आ रहे ये लोग ओ यहाँ पे फाइट चल रहा है किसके साथ नेक्सस टीम नेक्सस ओ डैमेज पड़ा क्या वो जोन में ही चले जाएंगे अभी का एक किल नेक्सस मैच ओ एयर 94 से नेस नवाब स्क्वाइब ने कर दिया एक किल क्या ये लोग बोया कर पाएंगे टीम डीएक्स अब ये देखने वाली बात होगी टीम डीएक्स बोया कर पाएंगे कि नहीं ओ ये नवाब क्या कर रहे हैं गोल्डन एके चला रहे पर एक भी एक दो किल के अभी के पास के बंदे मार रहे हो अभी मार रहे हो भाग रहे हो नवाब ने मार दिया और आई एन डी एस के एलिमिनेट हो चुके हैं तो टीम डी एस ने 6 7 8 9 मतलब 2 स्क्वाड और एक बंदे को इंडियो ने खा लिया है एक सेकंड मेरे को गिनने नहीं आता क्या 6 7 8 9 को थोड़ी देर लगा 8 ओ खलनायक ये लोग रुक रहे ये लोग देख रहे कब बंदे हमें दिखे हम मारे बंदे ये लोग ग्रेवयार्ड साइड आई एन डी थैनोस को आप देख ही सकते हो एकदम दूर से किसके हाथों विजन से MH48 सैंडी ऊपर है हमारा ये सैंडी जिन्होंने एक किल किया है मराठा टीम से और किसी का जब तक एक किल नहीं है तो ये लोग भाग रहे साथ से ड्रॉप लिख के तो भाग रहे हैं MH48 लेजेंड को डैमेज पर ओ घास बन चुके हैं MH48 ओह सामने कोई शायद सामने टीम भी एक बन गए हाँ सामने टीम भी एक साथ से नवाब को एक था सामने हाँ अब तीन स्क्वाड की तिरंग होने वाली है एक साथ MH48 जारी का एक किल हर्क हर्डली गायब MH48 जारी ने किया एक किल अभी अब शायद टीम भी एक्स वाले मार्च में तक
ज्यादा एडवांटेज है टीम डीएक्स वालों के पास। अब आप पर ओ टीम डीएक्स ने फिर से एक स्कोर खा लिया। टीम डीएक्स ने तीन स्कोर मल्टी बियर का लगातार दो किल। लेजी बियर ओ एमजी साइकोन ऑफ एमजी साइकोन ऑफ एमजी अनुराग भाग रहे गाइस। ये क्या बंदे दिया यहाँ से भागे गए। MH-48+ का एक चुरा लिया है। आर प्लस का मौका बंदे को मारने के लिए। पीछे भी पर है टीम डीएक्स आर प्लस के। बंदा डैमेज दे रहे सब लोग एक जगह पे अपना अपना एडवांटेज लेके बैठे हुए हैं। पर सबसे ज्यादा एडवांटेज बेवफा क्यूइन मतलब टीम फ्यूरियस के पास है। क्या ये लोग बुआ कर पाएंगे या ये सभी कुल मिला के टीम डीएक्स का किल है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो लेजी बियर के टीम का मतलब टीम वॉरियर का किल है 4, 7 किले। लेजी बियर का 4 किल और ब्लैक स्टॉर्म का 3 किल। अपने पास के वालों का अब तक 0 किले मतलब बेबाबा टीम ने किया सभी बच्चों को चिपका दिया। और ये टीमिंग किया ओ स्क्रैप का तगड़ा वाला किल। अब पता नहीं कौन जीतेगा। क्या ये लोग नीचे ओ यहाँ पे अमन नीचे कूदे अमन नीचे अमन अमन और बेबाबा क्वीन 1v2 सिचुएशन। टीम फ्यूरियस के पास अच्छा एडवांटेज है। पर बेबाबा क्वीन ने ग्रेनेड फेंका ओ पर इन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया। वार्निंग ये लोग लैंडमाइन लगा दिए। ओ टीम फ्यूरियस का भी होगा क्योंकि नवाब स्वेब ने एक किल मार दिया था। तो कितना डीएक्स का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 किल्स। हाँ 15 किल्स है टीम फ्यूरियस का टीम डीएक्स का। और टीम फ्यूरियस का कम से कम 8 किल। और लगातार 3 कस्टम स्टार्ट होंगे क्योंकि इस आईडी में है 3 कस्टम। पर इस आईडी का नाम हम नहीं कह सकते दिल दुख हो जाता है। ए नाम मत दिखाओ रे। सो
अब जी रहे डे 8 और डीएस संगीत आ चुके हैं हमारे साथ स्ट्रीम पे कमेंट्री करने। आवाज दीजिए अपना, कुछ तो बोलिए। सो हेलो गाइस, वेलकम। आ चुका हूँ वापस यहाँ पर फिर से जन्नत की वाट लगाने। आज कुछ नहीं होगा, बता देता हूँ। सभी स्ट्रीम में अंकित भी कुछ नहीं करेंगे। अगर आप कुछ डालोगे तो मैं आप पे ब्लॉक मार सकती हूँ। टाइम आउट दे देगा। बैठ जाए जल्दी, टाइम आउट तकिया बन। चल ऐसे बनेगा तकिया, तू ऐसे कल ऐसे बना तकिया, तू भी ऐसे इसी पे तेरे, इसी पे तेरी भी स्ट्रीम में मार दूंगा तो अच्छा लगेगा ना तेरे को। इसी पे फिर इसी इसी आई परफेक्ट और बैठी अच्छे से, अच्छे से अच्छे से अच्छे से बना देगी तेरी माँ की। कम्युनिटी गाइडलाइंस, तेरी कम्युनिटी गाइडलाइंस की ऐसी ऐसी बहुत सुनी की। आज देख तेरी गोल के गार्ड नहीं मारा तो जिस गोल। तो गाइस आज हमने जिस आईडी से कस्टम बनाया है उसका नाम मत लो, उसका नाम अरे प्रीति बांकर गेमिंग है, आरडीएक्स गेमिंग है नाम। आप जाके चेक ना करें कि प्लीज चेक ना कीजिए गाइस। जिस मतलब जिस आईडी से मैंने कस्टम बनाया वो आपको मैं इस मैच के बाद बताऊंगा। नाम ना बताएंगे हम? नहीं, सब बता दूंगा गाइस। ऐसा नहीं करने का सब्सक्राइबर। अबे ये क्या है? अच्छी गंदी कोसी बात हुई, पड़ी नहीं बात होनी। ओ भाई ये क्या हुई, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अबे ये शैडो स्क्वाड के दो ही बंदे कैसे आए? ओ हैकर काटी को तो वे शैडो स्क्वाड के दो ही बंदे आए, डीडी मैक्स और फ्लैश। कल ये चीज डीएक्स के साथ भी हुआ था और उनको इस चीज का ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं, लेकिन वो नंबर वन पे अभी भी मौजूद है। लेकिन ये शैडो स्क्वाड के साथ अगर होता है तो उनको इस चीज पे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उनके दो मेन बंदे हैं यहाँ पर, दो मेन बंदे जैक स्पैरो और एसके लवर, जो कि ज्यादा किल्स करते थे। फ्लैश है यहाँ पर मौजूद, फ्लैश भी किल कर सकते हैं गाइस। की टीम रिफाइनरी पर और किंग यहाँ पर मचाते हुए, MH48 किंग मचाते हुए यहाँ पर नेक्सस रक्ष को नचा के कर दिया खत्म। गाइस कल किंग को बहुत हेट मिल रहा था, किंग को नहीं गाइस फौजी को हेट मिल रहा था कल, फौजी को मिल रहा था हेट तो वो मतलब इनकी टीम के। और गाइस अनिकेत यहाँ नॉक हो गए और इनका एक मेंबर किधर गया गाइस, MH48 सैम, वेयर इज सैम, यहाँ खत्म कर देगा SK07 ने अनिकेत को। यहाँ पास गाइस फौजी को देख रहे आप गाइस, फौजी गाइस यहाँ पर देख सकते हो, फौजी भागते हुए आते हुए सामने उनके बंदा गाइस, और कसा खतरनाक हेडशॉट, नहीं नहीं खतरनाक हेडशॉट कहा जाए इसी को तो, एंड SK007 को खत्म कर दिया। यहाँ पर किंग, किंग यहाँ पर Kar98 चलाते हुए फौजी को पड़ा डैमेज, वहां पर फौजी नॉक होते होते बचे, लेकिन फौजी ने एक और नॉक कर दिया इसी बीच। दो किल MH48 टीम का नाम हो चुका है और एक और किल आना बाकी यहाँ पर देखा जाए तो। फिलहाल फौजी एक लूटते हुए यहाँ पर फौजी, नेक्सस डीपी नॉक है गाइस, क्या रिवाइव मिलेगा नेक्सस डीपी को, जयेश बचे अकेले, जयेश भागते हुए शायद यहाँ से, जयेश ऊपर चढ़ के साथ से हीरो बन के दोनों को मार के, बिल्कुल गाइस जयेश के पास यहाँ स्कार है, जयेश आते हुए आगे गाइस, जयेश पीछे नहीं जाना चाहते, जयेश चाहते है कि दोनों को मारे। यहाँ डीपी को कर दिया खत्म फौजी ने, जयेश की देखने वाली बात गाइस, जयेश के पास मौका है यहाँ पर, जयेश बढ़ते हुए आगे, लेकिन गाइस उनको ध्यान रखना होगा सामने शॉर्ट रेंज की बहन है, यहाँ जयेश का हमला और बचते गए बाल बाल, जयेश यहाँ पर काम तमाम हो गया, फौजी ने कर दिया ट्रिपल किल यहाँ पर और चार किल्स के साथ MH48 यार लीडिंग इन द किल गाइस। इसी बूया कर चुके हैं पिछला वाला फ्यूरियस की टीम गाइस, यहाँ पर बूया करके पिछला वाला मैच, क्या ये मैच फिर से बूया करेंगे? यहाँ पर DX अमन बेवफा क्वीन, आई लव यू राज स्वैग क्वीन, ये स्वैग क्वीन पता नहीं कहां, और गाइस यहां वॉरियर्स की तगड़ी टीम, एकमात्र ऐसी टीम जो मैप में घूम घूम कर गाइस बंदे ढूंढ कर मैप में घूम कर सबकी मरती है, मरता है बिल्कुल गाइस, बैड वाइब लेजी बियर ब्लैक स्ट्रॉम और स्ट्रॉम नीरज। इसी बीच गाइस यहाँ FFK आर्मी के बाबू भाव्या वैनम और केतु, ये लोग हमेशा लेट ही आते हैं वाले, बिल्कुल गाइस यहाँ पर केतु, इसी बीच गाइस यहाँ MG आर्मी अच्छा सा तगड़ा सा लूट करते हुए यहाँ पर शंट्स पर लूट करते हुए तगड़ा सा। इसी बीच गाइस यहाँ टीम DX को देख ले गाइस, टीम DX के रावण अभी नवाब और सौकिब,
100 किल ने गाइस पिछले बार काफी तगड़ा यहाँ पर गाइस किल किया था, 6 किल्स स्वाकिब ने किया दिए थे और टीम डीएक्स ने पूरी की पूरी 15 किल्स किए थे गाइस मैप पर। यहाँ पास गाइस आई लव यू राज ने स्ट्रॉन्ग नीरज को कर दिया खत्म, तो वहां गाइस फाइट चलता शायद। डीएक्स अमन को गाइस पड़ा डैमेज, बेवफा क्वीन गाइस यहाँ पर बाहर में ललचाती हुई, बेवफा क्वीन आगे बढ़ती हुई यहाँ पर, बेवफा क्वीन को पड़ा डैमेज यहाँ पर। फिलहाल स्वैग क्वीन यहाँ से घूम के जाती हुई, स्वैग क्वीन यहाँ पास गाइस नेड आता हुआ आई लव यू राज की तरफ ले, और यहाँ नेड तगड़ा आई लव यू राज का, और केतु ने वहां पर एक ही मारी को कर दिया खत्म। यहाँ पर बेवफा क्वीन डाउन हो गई, लेकिन माना हम कर लेंगे गाइस। इसी बीच यहाँ गाइस डाउन कर दिया गाइस आई लव यू राज ने, लेजी बियर ने अमन को खत्म कर दिया, लेकिन आई लव यू राज ने अमन को खत्म करके काम तमाम कर दिया गाइस आई लव यू राज ने। 4 किल गाइस, क्वाड्रा किल कर दिया आई लव यू राज ने, क्वाड्री किल, स्क्वाड वाइप आउट किया पूरे का पूरा आई लव यू राज ने यहाँ पर। इसी बीच गाइस एफएफ के बाबू भाविया वेनम एफएफ के आर्मी का भी फाइट चलता हुआ यहाँ पर, एफएफ के आर्मी का भी फाइट चलता हुआ यहाँ पर, केतु 1 किल करके मारे गए, ऑल किलर्स के साथ शायरिंग का फाइट चल रहा है। यहाँ पास गाइस आईएनटी वेनम आईएनटी थैनोस ने पीछे से मौके का फायदा उठा लिया है और एक शॉट लगा दिया है गाइस वहां पर, ऑल किलर्स की पूरी टीम शायद खत्म हो चुकी है वहां पर गाइस, देखने वाली बात। ऊपर बिल्कुल खत्म कर दिया वहां पर ऑल किलर्स की पूरी टीम को। इस बीच गाइस वहां पर आईएनटी एवेंजर्स की टीम वहीं पे मौजूद है, थैनोस अपना यहां पर लूटते हुए विजन, थैनोस के 1 किल है गाइस यहां पर। अगला मैच मतलब इससे पहले वाला मैच जो तगड़ा वाला हुआ था ना, मतलब एक साथ 4-5 स्क्वाड आके मार रही थी, मतलब ना किसको, मतलब 5-6 स्क्वाड आ रही थी ना, सब के ऊपर साइड आ गई थी, मतलब पूरा वो भयंकर हो गया था। किसका टीम डीएक्स तो फायदा किसका होगा सबसे ज्यादा, पर की सबसे ज्यादा टीम डीएक्स ने किया था। और गाइस इसी बीच एफएफ के बाबू को पड़ गया हेडशॉट रावण का और यहां पर गाइस एक और किल आता हुआ नवाब के खाते में, और गाइस यहाँ पास अब मौका एक बार और फिर से टीम डी एक्स, अब फिर से यहाँ पर नेट करते हुए नवाब का सकते हैं रावण को अगर अकेले जा रहे तो, काफी बार हमने देखा ये चीज रावण, और देखिए MP40 चला रहे लॉन्ग रेंज पर, और यहाँ देखिए गाइस रिकॉइल होता हुआ यहाँ पर 22 का बॉडी शॉट, ऐसे के भाविया शायद वहाँ मौजूद है वहाँ पर गाइस, ये देखिए गाइस क्या हो रहा है रावण के साथ, और यहाँ अभी ने वेनम को कर दिया खत्म, और रावण को जैसे मैंने कहा था गाइस नॉक कर दिया यहाँ पर बिल्कुल गाइस, वहां रावण को भाविया ने कर दिया खत्म इसी बीच, और वहां एफएफ के आर्मी की पूरी स्क्वाड को वाइप आउट कर दिया टीम डीएक्स ने, लेकिन अपना एक बंदा खो दिया वहां पर DX, और बात कर ले गाइस 5 किल कर दिए टीम डीएक्स के बंदों ने गाइस यहां पर, 1 किल रावण करके भर गए। फिलहाल मैंने जैसे कि कहा था गाइस रावण फुल मैप वाले टूर्नामेंट मैचेस में इतना छाप नहीं छोड़ पाते, और जो हमने वहां पर देखा वो है और इस बीच आई एन डिविजन को खत्म कर दिया है वहां पर, आई एन डिविजन को गाइस खत्म कर दिया है, और खलनायक वाईटी ने वहां हेडशॉट लगा दिया गाइस डीडी मैक्स और आर फ्लैश को खत्म कर दिया वहां पर, खलनायक और थैनोस ने डीडी मैक्स और आर फ्लैश खत्म कर दिया। इसी बीच थैनोस गाइस आई एन डी एवेंजर्स 3 किल्स करके अपने एक बंदे को लेकिन खो दिया गाइस वहां विजन को, और गाइस शेडो स्क्वाड को महंगा पड़ता हुआ गाइस बेंच जैसे कि कहा था, और गाइस और टीम डीएक्स और ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर दो अपने पोजीशन को, क्योंकि अगले मैच डीएक्स का बहुत अच्छा है, अगर बॉय मारे तो उनका और ज्यादा पॉइंट मिलता बिल्कुल गाइस। लेकिन यहां पर बात करें आने वाले 2 मैचेस को गाइस, परगेट्री मैप पर खेला जाएगा आने वाला 2 मैचेस, 8वां दिन चल रहा है गाइस, इसके बाद 2 दिन और होने को है, कल 9वां दिन होगा और परसों होगा ग्रैंड फिनाले फाइनल डे गाइस ग्रैंड फिनाले, और जो भी टीम नंबर 1 पोजीशन पर रहेगा उसको डिक्लेयर किया जाएगा विनर ऑफ द फुल मैप टूर्नामेंट By DX Gaming, और उसे मिलेगा गाइस 250 रुपीज का कैश बोनस, 250 रुपीज का। अरे अगर आपको लगता है कि हम लोग सिर्फ टीम DX के लिए रूम बनाए, नहीं है, हमारे गिल्ड का नाम टीम DX है, मतलब हमारे गिल्ड का नाम है डी जनरेशन एक्स, वो हम लोग के गिल्ड के बंदे से वो लोग ने अपना नाम भी टीम DX रखा, आप लोग कहते हैं कि नाम दोनों गिल्ड का भी सेम, मतलब ये लोग पास गाइस नवाब अभी और गाइस टीम पे कॉल ना करें, जी 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 कौन था ये कौन था ये स्पैम रिपोर्ट था उसका बहुत सारा गाइस, इसके लिए मैंने कॉल नहीं उठाया, नाम था उसका। यहाँ पास गाइस यहाँ पर जेरी को खेलना नहीं आता, सैंडी भाई जिंदाबाद, सैंडी हमारे हीरो है, सैंडी हीरो है,
जैरी को खेलने नहीं आता गाइस, जैरी खेलता अच्छा है। जैरी गाइस यहां पर कैप्टन है टीम के गाइस, देखा जाए तो देख चलिए तो जैरी को देखते गाइस यहां पर नीचे देखो। और गाइस ये देखिए जैरी लेजेंड वेनम सैंडी, जैरी लेजेंड वेनम सैंडी यहां पर गाइस एक भी किल नहीं कर पाया है। मराठा की स्क्वाड गाइस पहले स्टार्टिंग के कुछ दिन यहाँ लीड कर रहे थे पॉइंट्स टेबल में नंबर वन पोजीशन पर, लेकिन अभी इनके टीम की काफ़ी खराब परिस्थिति चल रही है गाइस, नंबर थ्री पर है। और गाइस ऐसे परिस्थितियों में गाइस इनको लास्ट तक टिकना होगा और किल्स भी करना होगा गाइस, क्योंकि किल्स में गाइस ये टीम पीछे हुई है। बाकी प्लेसमेंट पॉइंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा है इनका प्लेसमेंट पॉइंट रहता है यहाँ पास गाइस। हाँ वो चीज़ मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। फिलहाल गाइस ये आई लव यू राज डीएक्स अमन को अपने कैप्टन को खो दिया गाइस, टीम फ्यूरियस ने अपने कैप्टन को खो दिया गाइस। बीएफएफ क्वीन आई लव यू राज एंड स्वैग क्वीन गाइस यहां पर कैंप करते हुए। डीमन कौन था यार, अपने को टूर्नामेंट में कोई डीमन भी आया था गाइस। यार जो भी आ रहे हो स्ट्रीम पे कर दो सब लोग लाइक जाके, अगर चैनल पे न्यू हो तो कर दो सब लोग जाके सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि गाइस ऐसे टूर्नामेंट हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे होते हैं 2 बजे। और गाइस अगले कुछ दिनों में गाइस 2 दिसंबर से शुरू होने वाला है हमारे ग्रैंडेस्ट टूर्नामेंट ऑफ ऑल टाइम का सीजन 2 क्लैश स्क्वाड लीग सीएसएल सीजन 2 2 दिसंबर से शुरू करने वाले गाइस। उसमें आपको गाइस एक दिन में 5 महा मुकाबले देखने को मिलेंगे, 5 मुकाबले गाइस। और पहले हम 2 बजे से स्टार्ट करते थे, लेकिन उस अब हमें चुपना पूरा क्लियर करने दे। और अब हम गाइस उसी क्लैश स्क्वाड लीग के स्ट्रीमिंग को गाइस ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूं गाइस मैं, 1:30 बजे से स्टार्ट करेंगे हम यहां पर क्लैश स्क्वाड लीग 2 दिसंबर से गाइस स्ट्रीमिंग 1:30 बजे से चालू होगा। रोज के 5 मैचेस देखने को मिलेंगे आपको। टीम्स की बात करें तो गाइस 2 ग्रुप है 2 पूल है गाइस वहां पर, ग्रुप ए ग्रुप बी। और इसी बीच गाइस डीएक्स अभी का हेडशॉट आया वहां पर गाइस, डीएक्स अभी का किल आया गाइस वहां पर, हर लीग को कर दिया खत्म वहां पर। और डीएक्स अभी का डैमेज गाइस यहां पर तगड़ा भी बोल यहां डीएक्स अभी का वहां पर गाइस। सॉक टीम ने शायद ऊपर की तरफ बंदा देखा है तो गाइस सॉक की भी यहां पर नेट डीएक्स अभी पे बचे बाल वहां डीएक्स अभी नवाब यहां पर ऊपर की तरफ स्कोप करते हुए, यहां नवाब को पड़ा डैमेज नेट के थ्रू। क्या कर रहे हैं नवाब यहां पर गाइस, सॉकिम ने नवाब को हील अप कर रहे हैं यहां पर गाइस। नवाब ऊपर जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे फिलहाल, अभी भी ऊपर जाना नहीं चाहते। और ना एनडब्ल्यूबी सॉकिम यहाँ पास गए स्वाकिब को देखने वाली बात, 2 किल्स किए स्वाकिब ने, स्वाकिब यहाँ पर ऊपर बढ़ते हुए, स्वाकिब के सामने गए यहाँ मौका, 2 बंदे हैं, स्वाकिब डाउन हो गए गाइस वहाँ, स्वाकिब को रिवाइव देने अभी जाते हुए, अभी ने करा डाउन एक बंदा, नवाब वहाँ नॉक पड़े गाइस यहाँ पास गए मौका अभी के पास तगड़ा वाला मौका है। ओ काम तमाम कर दिया यहाँ पर अभी ने अकेले ही पूरी आई एनडी एवेंजर्स की स्क्वाड का, लेकिन गाइस अपने पूरे बंदे खो दिए वहां पर डीएक्स अभी ने, टीम डीएक्स ने। और अभी के गाइस 4 किल 2 किल उनके बाकी बंदे के, और 8 किल गाइस टीम डीएक्स ने 8 किल कर दिए गाइस इस मैच में भी। तो गाइस आज किल में अंबार खड़ा करना चाहती है शायद ये टीम। एमजी आर्मी ने 2 बंदे डाउन करे, मराठा लेजेंड और मराठा जेरी को डाउन कर दिया गाइस, हंटर वहां नॉक हो गए। और गाइस यहां वेनम ने खत्म कर दिया हंटर को, एमजी अनुराग नॉक हो गए गाइस भी, अनुराग गाइस नॉक हो गए, लीडर बढ़ते हुए आगे साइको ने वहां खत्म कर दिया वेनम को। और गाइस यहां एमजी आर्मी ने मराठा की पूरी स्क्वाड शायद वाइप आउट कर दी है, बिल्कुल कर दी गाइस यहां पर। और गाइस बात करें गाइस MH48 की तो जितनी तारीफ होगी उतनी कम, क्योंकि गाइस 2 ही बंदे से मैच को इतने लास्ट तक लेके आ गए ये दोनों, किंग और फौजी। मैं सपोर्ट करूंगा फौजी को फिलहाल यहां पर गाइस, मैं हर प्लेयर को सपोर्ट करूंगा गाइस यहां पर फिलहाल। बात करें तो फौजी किंग आज MH48 को आगे तक ले जाने की जिम्मेदारी उठाते हुए अपने कंधों पर। इसी बीच गाइस टीम फ्यूरियस की बात करें, बेवफा क्वीन आई लव यू राज स्वैग क्वीन काफी अच्छे पोजिशन में जोन के। और एमजी आर्मी पे गाइस यहां पर एडवांटेज देखा जाए तो यह एमजी लीडर साइको और अनुराग 3 बंदे बचे हुए ऊपर की तरफ हमला करते हुए यहां पर, और यहां अनुराग का तगड़ा हमला अच्छा फायदा उठाते हुए MH2B का वहां पास गाइस। डीएक्स अभी शांति से, ओ गाइस ऊपर डीएक्स अभी है यहां पर, खतरा हो सकता है उनपे, ग्लू वॉल नहीं है तो यहां पर बचना होगा, निकलना होगा यहां से गलत जगह पर अभी यहां पर।
गलत जगह पे मौजूद है अभी। यहाँ पर यहाँ नीचे गिरे बचे बाल बाल, यहाँ पर अभी को बचना होगा। फिलहाल पीछे भी बंदे गाइस, वहां पर पीछे से बड़ा डैमेज और अभी को कर दिया खत्म किंग ने खत्म कर दिया गाइस अभी को यहाँ पर। और टीम डीएक्स हो गई खत्म वहां पे उसी के साथ। टीम डीएक्स कार्ड के लिए कोड 8। और यहाँ बस गाइस बेवफा क्वीन को देखिए गाइस, बेवफा क्वीन सोई हुई है ऊपर में। ग्रैंड मास्टर जाने का है ये लोग। यहाँ बस गाइस ग्रैंड मास्टर पुशिंग चलता हुआ यहाँ पर, आई लव यू राज 4 किल्स पहले भी कर चुके हैं, 4 मात्र किल टीम फिलियस के नाम है गाइस। इससे पूरा कर सकते हैं, यहाँ तगड़ा हेडशॉट लगा दिया है क्वीन को। सॉरी एमजी लीडर थे वहां पर गाइस, एमजी लीडर को खत्म कर दिया वहां पे गाइस। नेट करते हुए आई लव यू राज, नेट काफी तगड़ा है इनका, नेट काफी तगड़ा गाइस। नेट पहुंचेगा कि नहीं, बिल्कुल पहुंचा, डैमेज किया है वहां पर 169 का डैमेज आया गाइस वहां पर। इसी बीच बेवफा क्वीन ऊपर से हमला करते हुए यहाँ पर गाइस एक और नेड, स्वैग क्वीन गाइस नीचे मौजूद है। यहाँ पर फिर से टीम फ्यूरियस पे मौका बूझा का यहाँ गाइस MH48 किंग ने साइको को कर दिया खत्म। यहाँ गाइस किंग और स्वैग क्वीन, स्वैग क्वीन का क्या ही हेडशॉट यहाँ पर, स्वैग क्वीन और यहाँ पर मुझे लग रहा है बूझा कर देंगे गाइस टीम फ्यूरियस। अनुराग गाइस अनुराग को किया खत्म और स्वैग क्वीन ने फिर से कर दिया है बूया टीम फ्यूरियस के लिए गाइस। लगातार इन रोज बूया यहाँ पर गाइस टीम फ्यूरियस का, फिर दिया बूया यहाँ 7 किल्स, फिर से कर दिए 7 किल्स और 7 किल्स के साथ फिर से बूया किया टीम फ्यूरियस ने यहाँ पर। बैक टू बैक 2 बूयास गाइस, 5-2-7 किल्स नंबर 1 पोजीशन टीम फ्यूरियस का। सेकंड पोजीशन पर इसका एमजी आर्मी 5 किल्स के साथ, 6 किल्स गाइस MH48 के वापस गाइस, 8 किल्स टीम डीएक्स के फोर्थ पोजीशन, 5th पोजीशन गाइस मराठा के, 6th पोजीशन गाइस वहां पर आईएनडी एवेंजर्स, 7th पोजीशन गाइस शैडो स्क्वाड, 8th पोजीशन एफएफके आर्मी 3 किल, 9th पोजीशन गाइस 10 किल है, हां देख 4 6 2 8 9 10 8 किल है, 2-2-4-8 मादर चोद। और 9th पोजीशन पर गाइस वहां पर ऑल किलर्स, 10th पोजीशन पर गाइस 1 किल के साथ वॉरियर्स और एक ही मात्र किल के साथ नेक्सस 11th पोजीशन पर। तो गाइस बढ़ेंगे अब आगे के 2 मैचेस पर। आइयो अगला लो मैच से बच्ची हो फुल बेटी हो, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, रूम आईडी पासवर्ड मांगने लगे, इतनी अच्छी बात है इतनी।
बहुत सही है। चल बैठ बैठ। तो यहाँ पे मैं आऊँगी। बोल पाते मासूम चेहरा क्या बोल जाने काबिल नहीं है। बोल पाते मासूम चेहरा फिर रुकना है, कमेंट करने देना तो। नहीं अभी मैं ही करूँ, कंटिन्यू बोल। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, तेरी मम्मी एक कातिल लगी है। गाइस चलिए शुरू करते हैं फन स्ट्रीम को, शुरू करते हैं गाइस। अभी से फन स्ट्रीम करेंगे। जन्नत गाइस भाग रहे हैं यहाँ से। जन्नत जन्नत भागिए मत, जन्नत 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 भागिए मत, जन्नत भागिए मत। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं करेंगे आज, नहीं करेंगे आज, नहीं करेंगे आज, नहीं करेंगे ठीक है। चल बैठ जा, बैठ बैठ। तुम्हारे अच्छा तुम्हारे अब्बा जो थे, तुम्हारे वाली वो हारमोनियम बजाते थे कि खाते थे? हारमोनियम मतलब? अरे वो हारमोनियम क्या? हारमोनियम नहीं समझ में आता तुम्हें? इसको बजाया जाता है। अरे यार तुम तो गए हुए केस हो यार। तभी इसी चीज तुम्हें जब बोलते हैं तो तुम्हारी जलती है फिर। इसी बीच गाइस यहाँ टीम फ्यूरियस गाइस बैक टू बैक दो बुयास। टीम फ्यूरियस अमन स्वैग क्वीन आई लव यू राजन मैगो बे ऑफ अ क्वीन। हे हे योर मदरफकर। तो गाइस यहाँ पर आपको जन्नत कुछ अच्छे अपने आवाज में एक गाना सुनाएंगे। चलिए जन्नत जी अपना म्यूजिक खराब कीजिए। बहती यहाँ बेवफा क्वीन ने कर दिया डाउन। बेवफा तेरा यहाँ पास गए। स्वैग क्वीन खत्म हो गई गाइस, लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है गाइस स्वैग क्वीन खत्म हो गई। वहां पर बेवफा क्वीन नॉक होते होते बची। आई लव यू राज ने डाउन हो गए। आई लव यू राज यहाँ गाइस खतरे में। टीम फ्यूरियस की बात करें तो आई लव यू राज खत्म, बेवफा क्वीन अकेले बची है और नेक्सस नेक्सस एडी ने खत्म कर दिया। यहाँ पर अकेले बच गया अमर। असफ के रावण ने किल किया, किसको किया वहां? किसको किया? कौन था? कौन था? एफएफ के वाले और फ्लैश ने वहां एफएफ के बाबू को कर दिया खत्म गाइस। आर फ्लैश ने वहां पास गाइस यहां पर देखा जाए तो हल्का जैक स्पैरो का खेल। एसके लवर ने हेलरी को कर दिया खत्म। जैक स्पैरो लेकिन खत्म हो गए वहां पास गाइस। फ्लैश और एसके लवर बचे यहां। एसके लवर के सामने मौका। एसके लवर काफी ज्यादा डैमेज है यहां पर गाइस। बिल्कुल गाइस यहां एसके लवर काफी ज्यादा डैमेज है। यहाँ पर इसके क्या चल रहा है? और गाइस डीएक्स फ्लैश ने एफएफ के रावण को कर दिया खत्म वहाँ। इसी बीच गाइस वॉरियर्स बैड वाइब्स स्ट्रॉन्ग नीगस लेजी बियर से आई टू गॉड वॉरियर्स की टीम ऑल किलर्स की बात करें गाइस। यहाँ पर गाइस वेनम ने हेडशॉट लगा दिया है। वेनम ने हेडशॉट और मेरा 100% डेटा यूज हुआ। एसके जा गेमिंग हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई किसको यादव मांग रहा है? जिसको भी आलोक चाहिए कृपया जन्नत घर पे जाइए। अबे ये किसने किसको, अबे इसको किसने ऐड किया बीडी? यहाँ पास गाइस यहाँ फाइट चलता हुआ नॉक करा गाइस यहाँ पर MS-48 किंग के एक बंदे को। यहाँ पास गाइस शायद और एमजी आर्मी के बंदे गाइस शायद एमजी आर्मी। बिल्कुल गाइस एमजी आर्मी लग रही है। किंग वहाँ नॉक हो गया एमजी आर्मी। यहाँ पर साइको नीचे साइको साइको यहाँ डाउन करे नहीं गाइस। यहाँ पास गाइस वेनम ने अमन को कर दिया खत्म। ओ साइको का तगड़ा हेड वहां पर। इट्स अ साइको गाइस यहाँ पर तगड़ा हेड मारा। हेडशॉट से खत्म किया गाइस और मुझे लग रहा है MH-48 की पूरी स्क्वाड वाइप आउट कर दी यहाँ पर एमजी आर्मी ने। बिल्कुल कर दी। और टीम फ्यूरियस गाइस जल्दी सस्ते में निपट गए गाइस दो बुया करने के बाद। शुभ शुभ सा वो शुभ। इसी बीच गाइस एमजी आर्मी ने एक ही घर में बैठे बैठे फूक मारते ही वाइप आउट कर दिया MH-48 को। और गाइस डीएक्स फ्लैश ने 3 किल कर दिए। जैक स्पैरो जो कि 1 किल करके मारे गए वहां पर। डीडी मैक्स जो कि फिर से छाप नहीं छोड़ पाए। क्रॉस शूट एफएफ हेलो भाई हेलो हेलो ब्रो हेलो क्रॉस शूट एफएफ हेलो।
यहाँ पास गए यार, जो भी सब जाके एल आई के ई लाइक लीक लीक कर दो। लीक तो तुम्हारा होता ही है रोज जनक। अरे सॉरी कुछ नहीं। तो गाइस अब शुरू करते हैं बकचोदी जन्नत के घर से। तूने क्या बोला? मैं मुंह से निकल गया। तो बस अब तेरे मुंह से निकल गई ना, अब देख मेरे कहाँ कहाँ से निकल गई। इसी बीच गाइस यहाँ पर आए इंडिया एवेंजर्स। बेवफा देर मासूम जेरा, हैशटैग चंचल लगाना शुरू है। ठाकुर गेम है आपकी। माँ बहन ना करे कृपया इधर पे, माँ बहन ना करे पहले बोल दिया। क्यों कहते हैं माँ पे नाम? वो तो तुम्हारे मम्मी का, वो तो तुम्हारे मम्मी। रेंचो 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 वो इस रेंचो इट्स बेंचो ब्रो, बेंचो नॉट रेंचो। आलोक दे दो। नो आलोक दे, आलोक वाली पब्लिक यहाँ कृपया मत आइए। आलोक वाली पब्लिक मैं पहले नच भी नहीं है, नच भी करता हूँ जो है वही है। मेरे को मेन्यू नहीं पता। अगर मैं भी पहले आपने बहुत स्ट्रीम में देखा होगा। गेट बंद है। टाइटन्स कार की बब में आपने देखा होगा कि मैं भी आलोक ऐसे ही मानता था। मुझे आलोक को विशाखा गावड़े मैं भी पहले ही आलोक दे दो। नहीं ठाकुर गेम चंचल वे ठाकुर गेम भी आपका जाना हो गया। आपकी मां की ओए ए गाली मत दे। उसने उधर उधर तेरा सरनेम लगाया, मेरा सरनेम लगाया क्या? नहीं आज भी आई यहीं पे वो तो वही होगा। और कहा जाए नहीं समझाएगा वजन करना सड़ी के मारूंगा नहीं तेरा। बैठ के ना बैठ बैठ बस्ती वाले। तो गाइस यहाँ माहौल बनता हुआ है हमारा यहाँ पर। सब भोसड़ी के आदर लौट आउट कर दे इस घरों को। तेरी माँ की तेरे तेरे को मजा मेरे को क्या मजा आएगा भाई? हाँ तेरी मम्मी में ऐसा कुछ है नहीं जो मेरे को मजा आएगा, समझा? वैसे भी मैं तेरी मम्मी के पीछे नहीं हूँ, चाची के पीछे हूँ। ए हेलो सब लोग सुनो गाइस, जिसकी मम्मी को कोई भी हैशटैग मत लगाओ, लगाना जिसकी चाची का लगाओ गाइस, उसमें तेरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो गाइस हैशटैग रितु लगाओ सब लोग। चाची का नाम हाँ रितु रितु रितु। अब इसमें तेरी गांड जली तो तेरी माँ की चुप्पी इस बार जा। अब तू बोल। इसी बीच गाइस हमारे जो होस्ट हैं DX जोकर, उनका खुद का भी एक चैनल है जहाँ पे आप उनके साथ बकचोदी कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा दिन बैठ के बकचोदी करते हैं। फिलहाल अभी उनके पास मोबाइल नहीं है तो अभी वो बकचोदी नहीं करते हैं, लेकिन बाद में आप उनके साथ कभी भी बकचोदी कर सकते हो। क्या है तुम्हारे चैनल का नाम? DX Elite Gaming। बिल्कुल गाइस DX Elite Gaming ऑल लेटर्स इन कैपिटल, जाके सब्सक्राइब करो उसके चैनल को, जाके वहाँ पे हैशटैग लगाओ I am from DX Gaming जाके हैशटैग लगाओ। वो मोबाइल फूटने वाले वीडियो पे मत लगाना। यहाँ पास गाइस मोबाइल फूटने का वीडियो डाला क्या तूने? I quit YouTube। गाइस इस बंदे ने YouTube छोड़ दिया इतने कम उम्र में। रितु वेट संकित है नमन। ओ गाइस नहीं थ्रीसम नहीं खेलना भाई। भैया पे क्या मिलेगा व्हाट द फक भैया पे क्या मिलेगा? रेंचो रेंचो व्हाट इज रेंचो इस हैशटैग बेंचो भैया का भैया पे क्या मिलेगा? भैया पे क्या मिलेगा? हिटलर इज बैक। अरे भैया मतलब क्या है यार? ग्रेनेड आया है। और यहाँ ग्रेनेड आया गाइस। एसके लवर, अच्छा एसके लवर खुद ही ग्रेनेड फेंक रहे हैं यहाँ पर। एसके लवर अपना ही ग्रेनेड वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पास गाइस दूसरे का ग्रेनेड, यहाँ पर डैमेज फ्लैश को दिया है। ये दूसरे किसी का ग्रेनेड था गाइस, DX गेमिंग था क्या? DX क्रीट हैशटैग DX गेमिंग चल रहा है गाइस, चलिए बढ़िया बात है। यहाँ पास गाइस फ्लैश नीड, यहाँ फ्लैश हो गए गाइस। मराठा गाइस मराठा यहाँ पर मराठा की टीम गाइस शायद वहाँ रश कर रही है। मराठा की टीम शायद वहाँ रश करती हुई। जेरी नॉक हो गए गाइस, जेरी को कर दिया। वेनोमी ने गाइस वहाँ फ्लैश को कर दिया खत्म। लेजेंड गाइस लेजेंड और वेनोम अकेले बच गए। एसके लवर वहाँ से अब निकलते हुए शायद नीचे। एसके लवर अकेले बचे गाइस, एसके लवर अकेले बच गए। 6 किल्स लेकिन अभी भी हो गए गाइस यहाँ पर देखा जाए तो।
टीम डीएक्स ने अब तक एक भी स्क्वाड नहीं मारी है, मतलब एक किल नहीं किया टीम डीएक्स। आलोक दे दो प्लीज भगवान के वास्ते ब्रो, आलोक गिव अवे नहीं करता यार, मैं टूर्नामेंट करता हूँ गाइस, आलोक गिव अवे मैं करता ही नहीं हूँ। आलोक दे दो प्लीज आपको भगवान के में वास्ता। अरे भाई मैं आलोक गिव अवे नहीं करता यार, मैंने चैनल गाइस गिव अवे के लिए नहीं खोला गाइस, पहले बता दूं। गिव अवे होगा 6k सब्सक्राइबर्स पे, 6k सब्सक्राइबर्स पे गिव अवे। ए साले ये तेरा चैनल है कि मेरा चैनल है? अपनी जीएफ, अपनी जीएफ दे दो ब्रो। मेरी जीएफ नहीं है, मैं रंडवा हूं, रंडवा हूं, रंडवा हूं, रंडवा हूं, रंडवा हूं। आप सोच रहे होंगे कि मेरा आवाज गूंज भी रहा है गाइस, तो मैं वादियों से वादियों में हूं गाइस, जिसके लिए मेरा आवाज गूंज रहा है। तो गाइस यहां पर मैं एक चीज जो भी बोलूंगा वो दो बार आपको तीन बार सुनाई देगा। तो गाइस यहां पर मैं खत्म कर दिया, लेकिन गाइस पीछे से फायदा, पीछे से टीम डीएक्स ने उठा लिया और मराठा की पूरी स्क्वाड, पूरी स्क्वाड वाइप आउट कर दी। दो ही बंदे फिलहाल बचे थे वहां पर, और रावण, सॉरी रावण, रावण, रावण। गाइस देखिए आवाज गूंज रही होगी, या स्टॉर्म नीरज ने गाइस एसके लवर दूसरे वाले को खत्म कर दिया, स्टॉर्म नीरज ने एसके लवर दूसरे वाले को खत्म कर दिया, स्टॉर्म नीरज, स्टॉर्म नीरज ने दूसरे को खत्म कर दिया, स्टॉर्म नीरज, स्टॉर्म नीरज। ऑल किलर्स में भी एक गाइस एसके लवर है जिनको खत्म किया, या नेक्सस रक्ष और एक है मावी, मारी मारी। अबे कितना आवाज बजाएंगे सुधरी के, पहले मूड से निकल जाती है, पता नहीं कैसे निकल जाती, 9 साल की होती है। स्काई लॉर्ड हूँ मैं, रेड किया है, ओहो स्काई लॉर्ड हूँ मैं, रेड किया है ब्रो, स्काई लॉर्ड रेड करता तो भाई साहब क्या ही बात होती फिर। स्काई लॉर्ड अगर भाई रेड करते तो बस क्या ही बात होती गाइस, हमारा चैनल अभी तो बहुत छोटा है, अगर स्काई लॉर्ड रेड कर देते तो क्या ही बात होती गाइस, हमारे पे थोड़ा वो करो, क्या बोलते उसको डिस्कनेक्ट। फिलहाल गाइस यहाँ पर रेंचो साला बेंचो, आप किसको गाली दे रहे हो किस ब्रो, क्या चल रहा है ये रेंचो साला बेंचो, जन्नत की चाची दे देते ठाकुर गेमिंग थ्री मां की टाकी। अभी तूने क्या बोला था? मैं टाकी ना की बोला, टाकी ना की, यू सेड दैट एनीवन कांट से विद ऑल माय मदर, तो तेरी मम्मी पे कोई नहीं बोल रहा, शाउट आउट करो मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए। तो गाइस हैशटैग शाउट आउट फॉर डीएक्स एलीट गेमर, जिन जन्नत का एक ऑफिशियल चैनल है डीएक्स एलीट गेमर, जहां बकचोदिया चलती है, वो प्रैंक वीडियो प्रैंक करने वाले हैं, बहुत जल्द प्रैंक्स वीडियो लाने वाले हैं, वो लड़कियों की आवाज में प्रैंक करेंगे जन्नत। तो जन्नत अपने लड़की की आवाज का एक नमूना पेश कीजिए हमारे सामने। हेलो हेलो, मैं हूँ डीएक्स गेमिंग में, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी एक चैनल है जिसमें मैं हमेशा लाइव करती हूँ, आपको अगर वो चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, ओके। तो सुना गाइस आपने, कैसा लगा आपको मर्दाना मर्दानी आवाज, इस लड़के 9 साल के बच्चे का बचकाना आवाज जो कि लड़की का आवाज निकालता है गाइस। यहाँ पास गाइस वो प्रैंक चैनल बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, फिलहाल अभी उनके पास फोन नहीं है, फोन था तो ब्रेक इन टू पीसेस, इनके फोन को ब्रेक किया गया टू पीसेस के अंदर, इनके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है गाइस। अभी मेरा फोन आ गया ना, तो मैं ना एक प्रैंक वीडियो करूंगी वर्ल्ड पे, ना अपना टीम इनवाइट भेजूंगी, जो लोग आएंगे ना उन लोग के साथ प्रैंक करूंगी, वरना मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ भी प्रैंक कर लूंगी फ्री फायर में। तो सुना गाइस बहुत ही जल्द डीएक्स एलीट गेमर प्रैंक करने वाले हैं आरसीएस नूब, आरसीएस कहां पे आ गए गाइस, यहां पर आरसीएस तो आए भी नहीं थे आज गाइस। यहां पास गाइस एके मावे, और गाइस वहां हमला चलता हुआ एके मारी पे, टीम डीएक्स क्या, टीम डीएक्स है शायद पर सामने, टीम डीएक्स देखने वाली बात, टॉप पे शॉप पर टीम डीएक्स है यार, वहां पे हैशटैग वर्ल्ड पे, नेक्सस एजी, नेक्सस एजी वॉरियर, एमजी आर्मी गाइस अभी तक बचे हुए 4 किल्स के साथ, हैशटैग टॉप पर टीम डीएक्स, वहां पर नॉक है रवान, रावण को कर दिया खत्म, स्टॉर्म नीरज ने अभी नॉक हो गए, आई टू गॉड ने खत्म दिया, खत्म कर दिया नवाब, नवाब नॉक होते होते बचे, लेकिन नॉक हो जाएंगे अब, हो जाएंगे, फायर नोबिता भी खत्म, अकेले बचे नवाब, और नवाब हो गए खत्म, से हाई टू गॉड, से हाई टू गॉड खत्म कर दिया, यहाँ की अंदर बैठे हुए यहाँ पर एक ही मात्र किल्स, से हाई टू गॉड गाइस 2 किल, स्टॉर्म नीरज के 2 किल और लेजी बियर के 1 किल, और गाइस वॉरियर्स काफी तगड़े पोजीशन पर देखा जाए भूया के, तो
इसके बाद एक और मैच होने वाला है गाइस, आखिरी मैच होगा। जो गाइस जो भी स्ट्रीम पे हो कर दो लाइक। क्या हुआ क्या क्या? तो गाइस यहाँ पर हम बकचोदी कर रहे हैं। आर्षिक मेरा दोस्त है, उसकी इज्जत उतार रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, डीएक्स क्रीज कितना हाई करेगा, कितना हाई करेगा, सकता है क्या भाई, सकता है क्या? हाय हाय कर रहा है पूरा। अब गाइस यहाँ पर क्या ही, यहाँ पर क्या क्या इंडिया एवेंजर्स के खलनायक क्वालिटी लगातार देखिए। स्कोप इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट, यह एमजी ने लोगों कर दिया आउट। अंकित भैया की जय, जन्नत है, जन्नत है, हाँ जन्नत है। यहाँ पास गाइस थानोस एके मारी ने एमजी हंटर को कर दिया खत्म पीछे से। थर्ड पार्टी एंट्री यहाँ पर, क्या क्या करेगा तू, अभी कराया तेरे साथ ही बकचोदी। कमेंट करने देना रे। कर यहाँ पास स्ट्रॉन्ग नीरज ने किला आया गाइस, स्ट्रॉन्ग नीरज का किला आया गाइस वहाँ पर। गाइस आप लोग स्पैम करो, अगले मैच जोकर स्पैम मतलब जोकर कमेंट्री करेगा। अरे यार देखिए गाइस यहाँ पर, यहाँ पास गाइस यहाँ से हाई टू गॉड ने, से हाई टू गॉड, से हाई टू गॉड डैमेज देते हुए बैड वाइप का किल वन एक्सेस रख। यहाँ गाइस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नीरज ने मिस कर दिया शॉट, स्ट्रॉन्ग नीरज ने मिस कर दिया वहाँ पर शॉट। नहीं 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 नहीं, यहाँ गाइस डबल स्नाइपर चलाते हुए स्ट्रॉन्ग नीरज, नहीं सिंगल स्नाइपर ही चला रहे, सॉरी। यहाँ गाइस तीन बंदे बचे सामने वॉरियर्स के, कौन सी स्क्वाड है वो गाइस, आई एन डी एवेंजर्स, कौन मारेगा भूया? थैनोस यहाँ नॉट पड़े हैं, यहाँ गाइस मुझे लग रहा है भूया कर लेंगे वॉरियर्स। यहाँ नेड पहली बार मेरे कमेंट पे कोई रिप्लाई दे रहा है, थैंक्स ब्रो। अरे भाई साहब हमारे चैनल के सबके कमेंट पे रिप्लाई दिया जाता है। थैनोस नॉक हो गया गाइस और खत्म, और बुया कर दिया वॉरियर्स ने। कल के दिन हमने देखा था गाइस वॉरियर्स ने बुया किया था, और आज फिर से एक बार बुया कर दिया वॉरियर्स ने इस मुकाबले में। तो ये तीसरा मैच था, एक लास्ट मैच है प्रदीप्ति का, बिल्कुल कौन बुया मारेगा आखिरी मुकाबले में। गाइस यहाँ गाइस देखा जाए पोजीशन की, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो पोजीशन काफी अच्छा पोजीशन वहाँ वॉरियर्स ने लिया। गाइस वॉरियर्स की बात करें तो 5-2-7-3-10-10-11 किल्स के साथ बुया किया पहला पोजीशन, सेकंड पोजीशन गाइस आई एन डी एवेंजर्स, सेकंड पोजीशन गाइस आई एन डी एवेंजर्स के 2 किल, थर्ड पोजीशन गाइस ऑल किलर 2 किल, फोर्थ पोजीशन गाइस नेक्सस के 4 किल, फिफ्थ पोजीशन एनजी आर्मी 4 किल, सिक्स पोजीशन गाइस 1 किल के साथ टीम डीएक्स, सेवन पोजीशन गाइस वहां पर मराठा 3 किल, एट पोजीशन गाइस शेडो स्क्वाड 6 किल, नाइन्थ पोजीशन MH48 1 किल, टेंथ पोजीशन गाइस टीम फीडर्स लगातार दुबुया किया था, 11 पोजीशन गाइस वहां पर 2 किल के साथ FFKR में ही। तो गाइस अब बढ़ेंगे अपने आखिरी मुकाबले की तरफ। तो आईडी, अरे देखो जो डीएस नवाब है ना उनको जल्दी रहती है रूम आईडी लेने के लिए, पर कभी भी अब तक ठीक से बोया नहीं कर पाए ये लोग की टीम।
तो हेलो दोस्तों, टीम हो गया स्टार्ट। तो अब हम लोग खेलेंगे लास्ट मैच। इसमें एक बाहर के बंदे आ चुके हैं। हम स्टार्ट कर ही रहे थे कि बाहर का बंदा आ गया और हमारा स्ट्रीम में एक अजनबी विंटर 444 नाम का बंदा आ गया। तो अब है ब्राजीला। अब सबसे पहले कौन सी टीम कहाँ कूदेगी हमें ये देखना पड़ेगा। ओ फायर नोबिता नहीं आई गेम में। फायर नोबिता गेम से बाहर हो गए। ग्लिच हो गया फायर नोबिता को। शॉट फायर नोबिता को। जस्टिस फॉर टीम डीएक्स। हर मैच में कोई ना कोई गायब होता है भाई साहब। ऐसा टीम डीएक्स से भाई कमेंट फनौती लगा है। फनौती कौन नजर लगाता है? दो बार दो नंबर पे है ना टीम डीएक्स स्टार्टिंग के दोनों मैच में। नहीं, एक बार हैशटैग टू, एक बार हैशटैग फोर आए थे। पहले तो कमेंट। तो अब देखते हैं टीम डीएक्स कूदे हैं मोथ हाउस। एमएच मराठा तो कूद चुकी है, मतलब एमएच फोर्टी कूद चुकी है। और टीम शैडो स्कॉट कूदी है सेंट्रल। एमक्यू ब्राजीला साइड। एम मराठा ब्राजीला के कॉर्नर साइड। नेक्सस भी ब्राजीला पे। सेड हाई टू गॉड, मतलब टीम वॉरियर कूदी है। अरे क्रॉस रॉड्स और नेक्सस ये कूदे मौत हाउस, मतलब टीम डीएक्स और मौत हाउस, मतलब टीम डीएक्स और नेक्सस का भिड़ंग हो सकता है क्योंकि ये तीनों मौत हाउस है। पर वो लोग नेक्सस अभी कूदी है ब्राजीलिया पे। हैं मेरे मुंह से निकल गई टीम वॉरियर में टीम नेक्सस गई। सामने बंदे कौन है वो टीम पे है। क्रॉस रोड मतलब वॉरियर्स की टीम है वहां। तो गाइस यहां पर बेफा क्वीन गॉड ज्ञान ओडी ज्ञान गाइस यहां पर डीएक्स अमन एंड राज गाइस खेलना है क्वालिटी विजन थैनोस। और यहां एमएच 48 सैंडी का खेल। सैंडी ने कर दिया वहां खत्म नेक्सस डीपी को। नेक्सस की टीम ये है गाइस। यहां पर नेक्सस जाइस यहां पर लगातार एमएच 2 बी से प्रहार तक करते हुए प्रचंड तक थोड़े बंदे वहां पे तो गुजर दिया हुआ। नेक्सस दोस्त का भी दे दिया गाइस। यहां नेक्सस के बंदे हुए डाउन। जेस बचेंगे नहीं मुझे लग रहा है। यहाँ से बिल्कुल खत्म कर दिया पूरी स्क्वाड। यहाँ पर मराठा अलग इंटेंट से उतरे इस मैच में। चार किल्स कर दिए शुरुआती स्टेज पर मराठा ने। बैड वाइब से हाई टू गॉड। अबे तीन बंदे इन लोग के भी। स्ट्रॉन्ग नीरज किधर है? भाई साहब सभी के साथ गाइस ग्लिच चलता है। विंटर ट्रिपल फोर गाइस ये देखिए विंटर ट्रिपल फोर बच गए। सात किल कर दिया। हाँ किसको कर दिया रे? क्यों नहीं हुआ उसके हाथों से खाक मार उसके वाले साथ चला गया। देख ऊपर देख टीम डीएक्स एमजीआर भी क्या है। उदय कौन दुख गया? बच्चू उदय कुछ भी हो रहा है। ये भी मरेगा ये पता नहीं सबसे पूरी। अगर स्क्वाड मार दी इसने तो भाई साहब ओपी हो जाएगा। ओपी इन द चैट। हाँ ओपी इन द चैट हो जाएगा गाइस। मार दिया भाई गॉड मार देगा ये। फिर तो हमारा बंदे लोग फिर बोल देंगे अरे भाई ये क्या कर रहे हो भाई। तो बंदे की माँ की चूत तुम ही लोग ने ऐड किया जो कस्टम में जिसको मैंने घुसाया उन्हीं लोग ने तो ऐड किया। अमन हेडशॉट माँ चूता ने ऐड किया। हेलो भाई मैं जस्ट लाइक क्रिस थैंक यू। हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम क्रिस भाई। यहाँ आई लव यू का हेडशॉट आया राज का। विंटर ट्रिपल फोर का नेट
विंटर ट्रिपल फोर गाइस सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल गए गाइस। किसी चूतिए ने हमारे कस्टम में से ही, कस्टम के टीम्स में से ही किसी चूतिए ने बुलाया इसको, अब वो तुम्हारी गलती और अब ये तुम्हारी मार चोट रहे हैं, तो अब हमें इस हमारे हमें हमें इस चीज़ पे बिल्कुल बोलने मत आना वरना हम अलग मार चोट देंगे तुम्हारी। फिर गाली क्यों दे रहे हो? अच्छा बंदे लोगों को तो तब गाली देने का सीन में हां मैं नहीं, तो बंदे लोग को मैंने पहले बोल दिया था कि मार चुदाने को बाहर वाले बंदों को मत ऐड करना, लेकिन उनको तो चुदवाने का शौक था तो गांड मारा लिया उन लोगों ने। अब ये विंटर ट्रिपल फोर भाई साहब सबकी उठा उठा के लेंगे, और क्या भोया मार लिए तो अलग ही सीन हो जाएगा वहाँ पे। फिर हमारे हमको आके मत कहना, हाँ फिर हमको आके मत कहना कि वो उस भाई भाई इसने हमारी गांड मार ली, हमको मत कहना आके कि मैं फिर कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा सरसों का तेल लो और लगा के पूरे लेट जाओ, उल्टा उल्टा लेट जाओ। हाँ इसी बीच गाइस यहाँ लेजी बियर अकेले बच गए वॉरियर्स की तरफ से, लेजी बियर अकेले बच गए गाइस वहाँ पर। बेवफा क्वीन ने हेडशॉट लगा दिया लेजी बियर को, और यहाँ टीम फ्यूरियस गाइस देखिए स्टार्टिंग स्टेज किल्स के साथ। क्या ये मैच भी बुआ कर देंगे टीम फ्यूरियस गाइस? एक दिन में तीन बुआ हमने देखा था वॉरियर्स को करते हुए, क्या गाइस आज टीम फ्यूरियस वो चीज को दोहरा पाएगी? वॉरियर्स ने पहले दिन वाले में लगातार तीन बुआ मारे थे। अननोन प्लेयर आ गए भाई, यार स्पैम मत करो यार, एक ही चीज स्पैम मत करो यार, गुस्सा आता है इससे यार। स्पैम मत करो यार, एक ही चीज स्पैम मत करो गाइस, अच्छी बात नहीं हो चाहिए सर। गाइस यार जो भी स्ट्रीम पे आ रहे हो कर दो सब लोग जाके लाइक। ज्ञान डीएक्स अमर आखिरी मैच गाइस चल रहा है, हमने ये हमारा बैटरी परसेंट भी आप देख सकते हो 17 गाइस, मैंने 54-56% पे आज स्ट्रीम चालू किया था, मुझे भरोसा नहीं था गाइस कि मेरा मोबाइल आज पूरा स्ट्रीम करने देगा, लेकिन यहाँ पर गाइस आखिरी मैच पे हैं और स्ट्रीम मुझे लग रहा हो जाएगा। अरे भाई यार बार बार स्पैम मत कर, पहली बार पढ़ रहे हैं विनाशक दावड़े, बार बार स्पैम मत कर यार, मैं म्यूट दे दूंगा तेरे को, म्यूट दे दूंगा भाई। अच्छा लगेगा क्या तेरे को? देखो कोई गाड़ी इधर, तभी तो म्यूट करने में होता ही है। इसी बीच गाइस यार कल नायक वाइट यहाँ डिवीजन थैनोस हार ली, विंटर ट्रिपल फोर अभी तक बचे हैं गाइस, विंटर ट्रिपल फोर क्रॉस टेप है, विंटर ट्रिपल बढ़ते हुए नीचे की तरफ यहाँ गाइस क्रॉस टेप है। कौन सा कैरेक्टर है? जोटा है क्या? जोटा नहीं लग रहा, जोटा है ये, फुटबॉलर लग रहा है मेरे को, जोटा का है घुमा रहा है ये तो। गाइस यहाँ पूरी स्क्वाड टीम डीएस आ रही है, नहीं टीम डीएस नहीं है, फिर भी देख कहाँ तक लिया, नीचे खत्म। ओ गाइस यहाँ मराठा की स्क्वाड थी, आखिरकार यहाँ पर खत्म कर दिया उस अननोन बंदे को, अननोन बंदे को खत्म कर दिया गाइस। इसी बीच गाइस जेरी को रिवाइव कर लिया गया गाइस, यहाँ पर देखा जाए तो मराठा गाइस 6 किल कर दिया है अब तक गाइस, देखा नहीं था हमने मराठा को किल्स भी करते हुए, लेकिन आज अभी देखिए रश इंटेंस है, खलनायक वाइडी एसके लवर को कर दिया खत्म, यहाँ पास गाइस जैक स्पैरो फ्लैश, ओ मैक्स मैक्स डाउन हेडशॉट गाइस यहाँ पर, और थैनोस ने खत्म कर दिया मैक्स को, डीएक्स फ्लैश ने गाइस इसी बीच एसके से चला रहा है कि M41 चला रहा है, एसके से यहाँ पास गाइस जैक स्पैरो VSS और M10 चलाते हुए एक किल किए गाइस डीएक्स फ्लैश ने, कैप्टन शैडो स्क्वाड के अकेले ही अपने टीम को गाइस ये आगे तक लेके गए हैं। अभी तक देखा जाए तो अब दो बंदे इनके बच गए हैं, जैक स्पैरो और ये खुद, अब इनको आगे तक लेके जाना होगा। फिलहाल बात करें आईएनडी एवेंजर्स की, आईएनडी एवेंजर्स गाइस यहाँ पर एक बंदा अपना जरूर खो दिया, लेकिन यहाँ पर दो बंदे मार दिए थैनोस और खलनायक वाईटी ने, डीएक्स अब तक जीरो किल करके बैठी हुई है। यहाँ पास गाइस खलनायक वाईटी एयर ड्रॉप हाथ में लिया क्या? अरे लैंड ही लिया हाथ में, लैंड ही
जो भी स्ट्रीम पे आ रहा हो कर दो सब लोग जाके लाइक यहाँ पर MH48 एविल गाइस नवाब रावण और अभी यहाँ पर देखिए अभी भी मौत है उसके ऊपर साले इससे पे आ चुके हैं टीम फ्यूरियस गाइस देखते कहाँ है टीम फ्यूरियस गाइस यहाँ पर देखिए टीम फ्यूरियस 7 किल्स गए गाइस टीम फ्यूरियस के डीएक्स समान बढ़ते हुए आगे अब मौत हाउस के ऊपरी हिस्से पर जाए कौन से नंबर पे आ गए थे आपको लग रहा है अब वो तो गाइस मैचों के बाद ही ना पता चलेगा फोटो भेज रहे हैं किसका फोटो भेज रहे हैं उनके मैच के रिजल्ट्स का इसी बीच गाइस खलनायक वाईटी हर्ली और खलनायक थैनोस यहाँ थैनोस नीचे उतरे थैनोस इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा फिलहाल फ्यूरियस यहाँ पर आते हुए ऊपर वाले हिस्से की तरफ टीम फ्यूरियस ऊपर बिल्कुल गाइस यहाँ MH48 यहाँ चारों एक ही बंदे ड्रॉप गिराते हुए जो कि इनका काम होता है गाइस एयर ड्रॉप अपना यूज करते हुए गाइस समोन एयर ड्रॉप इस बीच गाइस डीएक्स फ्लैश अपने टीम को जोन में लेके आते हुए जैक स्पैरो डीएक्स फ्लैश देखिए गाइस जोन में आने का क्या ही तरीका अपनाया फ्लैश ने यहाँ पर अब थोड़ा सा कैंप करते हुए क्योंकि जानते हैं गाइस यहाँ पर रिजल्ट्स की बात आएगी तो बहुत ही ज़्यादा पीछे आज के दिन देखा जाए तो शेडो स्क्वाड जल्दी मर जा रहे हैं ये लोग और आज के दिन के लिए भी उतना नहीं हो पाया फिलहाल एविल को पड़ता हुआ डैमेज यहाँ पर कौन सी टीम यहाँ फायर प्रहार कर रही है गाइस देखने वाली बात यहाँ देखिए गाइस टीम डीएक्स काफी अच्छे पोजीशन पर डबल डबल पे बैठे हैं हां गाइस बिल्कुल कैंप करते हुए कैंप करेंगे आज टीम गाइस टीम डीएक्स फ्लैश जैक स्पैरो बढ़ते हुए आगे ऊपर देखिए गाइस पहाड़ की चढ़ाई चल रही है गाइस यहां पर पहाड़ की चढ़ाई इसी बीच गाइस यहां MH48 किंग एविल फौजी और अनिके जोन में काफी ज्यादा जोन में यहाँ पर एविल गाइस यार जो भी स्ट्रीम पे आ रहे हो सब लोग जाके लाइक करो प्रीत यार काई को स्पैम कर रहा है गाइस यार जो भी आ रहे हो स्ट्रीम पे कर दो सब लोग जाके लाइक इसी बीच गाइस डीएक्स फ्लैश यहाँ पर देखिए ऊपर तगड़ा पोजीशन बना लिया है ऊपर से लेकिन यहाँ से गाइस जोन जाना होगा क्योंकि जोन देखिए तो कितना लंबा गया है जोन यहाँ पर फील्ड्स पे गाइस जोन है फील्ड्स पर गाइस जोन है गाइस अगर देखा जाए फील्ड्स पर गाइस या MH48 बढ़ रहे फील्ड्स की तरफ और गाइस टीम डीएक्स यहां पर जोन में सेफ पोजीशन पर फील्ड्स पे कौन था डीएक्स था MH48 था और गाइस मराठा भी अब जोन की तरफ बढ़ेंगे फिलहाल अभी तो सेफ जोन के बिल्कुल करीब है यहां लेकिन यहां टीम फ्यूरियस गाइस बढ़ते हुए जोन की तरफ टीम फ्यूरियस ओडी 11 बेवफा क्वीन गाइस 5-2-7 किल से टीम फ्यूरियस की देख बात करें तो यहाँ पर गाइस थैनोस ने फौजी को कर दिया खत्म और थैनोस ने एविल को भी कर दिया खत्म यहाँ पर MH48 थैन एविल और फौजी दोनों को किया खत्म वहाँ पर यहाँ देखिए जूम इन जूम आउट के चक्कर में 52 का डैमेज दे दिया और मुझे नहीं लगता गाइस यहाँ पर MH48 बचने वाले बिल्कुल खत्म कर दिया अनिकेत को भी अकेले बचे किंग निकल गए गाइस वहाँ से फिलहाल किंग का क्या हो रहा है ये गाइस किंग पे लूट भी अच्छा नहीं है गाइस यहां पे सोशल हैकर थर्ड पार्टी हैकर आ चुके हैं यहां गाइस फाइट लेते हुए टीम डीएक्स के अभी क्या ज्यादा डैमेज सांप का डैमेज अब तक किसी बंदे ने नहीं मारा होगा मिल गया बस गाइस 3-4 गोली मिस किया वहां पर मराठा की टीम है गाइस ऊपर की तरफ से फायर करते हुए मराठा यहां पर डीएक्स फ्लैश बढ़ते हुए जोन की तरफ जैक स्पैरो डीएक्स फ्लैश इसी बीच गाइस मराठा की टीम वहां बढ़ते हुए आगे 6 किल से गाइस मराठा के लास्ट गेम है क्या हां लास्ट गेम है लास्ट गेम है क्रीत तू लास्ट में कस्टम में आते रहता है यही बुलाया होगा मेरे को लग रहा है वाइट चप्पल छोड़ को नहीं ये नहीं यहां गाइस लेजेंड को पता डैमेज लेजेंड का ग्लू वॉल कहीं और लग गया लेकिन के लेजेंड यहां पर वुकोंग का सही इस्तेमाल किया मां वुकोंग का सही इस्तेमाल हुआ मां वुकोंग के कैरेक्टर का सही इस्तेमाल किया गाइस यहां पर लेकिन गाइस वहां देखा जाए हमला किया तो किया किसने गाइस हमला टीम डीएक्स का था लेकिन खतरे में टीम डीएक्स भी होगी गाइस यहां पर क्योंकि ऊपर की तरफ 2-3 स्क्वाड है मैंने देखा गाइस यहां पर देखा जाए तो ऊपर की तरफ 2-3 स्क्वाड होगी गाइस नीचे मराठा है गाइस और ऊपर गाइस वहां टीम फ्यूरियस देखिए बिल्कुल मैंने कहा था ऊपर
जस्ट ऊपर है बिल्कुल गाइस वहाँ पर, और मौका टीम क्यूरियस के पास वहाँ पर यहाँ डीएक्स अमन गाइस नीचे जाते हुए, और मौका अगर टीम क्यूरियस को मिलता है तो वहाँ टीम डीएक्स पूरी की पूरी वाइप आउट हो जाएगी। देखिए गाइस अमन पे मौका वहाँ पर बिल्कुल नौ किल से टीम फ्यूरियस के, वहाँ डीएक्स अमन बढ़ते हुए आके गाइस नॉक हो गए अमन, और यहाँ कमन ने कमन को कर दिया खेल, नवाब हो गए नॉक यहाँ पर, बेफा क्वीन ने नवाब को कर दिया खत्म, और गाइस खतरे में लग रही है मुझे टीम डीएक्स, अभी अकेले बचे खत्म, अभी को कर दिया आई लव यू राज ने यहाँ पर, और गलत पोजीशन में जाने का यही होता है काम। यहाँ पर गाइस खतरनाक हेड, यहाँ पर गाइस मुझे लग रहा है टीम फ्यूरियस बुआ कर लेगी ये मैच भी, नहीं गाइस अभी भी, क्योंकि मराठा की पूरी स्क्वाड यहाँ तीन बंदे ही बाकी है मराठा की, तो वैनम लेजेंड और शहरी बचे हैं यहाँ पर, और गाइस अगर देखा जाए तो वहाँ टीम शैडो स्क्वाड अभी भी बचे हुए हैं, शैडो स्क्वाड कितने शैडो स्क्वाड नहीं है गाइस खत्म हो चुके हैं यहाँ पास गाइस, जेरी 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 आई लव यू राज ने वहाँ लेजेंड को कर दिया खत्म, जेरी अकेले बच, जेरी और वैनम अकेले बच गए यहाँ पर गाइस, टीम वॉरियर भी जुड़ा है, वॉरियर नहीं गाइस यहाँ पर ये आईएनडी एवेंजर्स, आईएनडी एवेंजर्स वहाँ थर्ड पार्टी का फायदा उठाते हुए आईएनडी एवेंजर्स जोन में है गाइस, काफी ज्यादा फायदा आईएनडी एवेंजर्स को होगा क्योंकि जोन में है यहाँ पर। थानोस हर्ली खलनायक वाईटी फायदा उठा लिया इसी बीच, और यहाँ लेकिन खत्म जेरी, और यहाँ पास गाइस देखा जाए तो यहाँ बेवफा क्वीन नॉक हो गई, बेवफा क्वीन खत्म, और पूरी की पूरी एडवांटेज अब देखा जाए तो आईएनडी एवेंजर्स के पास, तीन बंदे बचे आईएनडी एवेंजर्स के, खलना एक वाईटी हील करते हुए, थानोस, थानोस का नेड यहाँ पर, एक और नेड, एक और तीन नेड कर दिया गाइस थानोस ने इनर रो, यहाँ पास गाइस जोन पे आना पड़ेगा दोनों ही टीम्स को, और किल की बात करें तो 7-4-11 और 11-5-16 और 17 गाइस, 17 किल्स, 17 किल्स कर दिए एक ही मैच में, और गाइज यहाँ बुया किया टीम फ्यूरियस ने 17 किल्स के साथ नंबर वन पोजीशन टीम फ्यूरियस का, सेकंड पोजीशन गाइज 7 किल्स के साथ आईएनडी एवेंजर्स, थर्ड पोजीशन गाइज 7 किल्स के साथ मराठा, फोर्थ पोजीशन एमएच 48 एक किल, फिफ्थ पोजीशन गाइज वहाँ टीम फ्यूरियस सॉरी टीम डीएक्स एक किल, सिक्स पोजीशन शेडो स्क्वाड एक किल, सेवन्थ पोजीशन गाइज एमजी आर्मी एक भी किल नहीं, एट पोजीशन छोड़ दीजिए, एट पोजीशन गाइज वॉरियर्स के, नाइन्थ पोजीशन गाइस ऑल किलर्स, और गाइस टेंथ पोजीशन नेक्सस की। तो गाइस कल फिर से 4 और मैचेस और 9वें दिन के साथ 2 दिन और बच गए इस टूर्नामेंट में गाइस, तो गाइस मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, और थैंक यू गाइस, चैनल पे जो भी हो न्यू सब्सक्राइब कर दो गाइस, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया स्ट्रीम को तो लाइक कर दो, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।